यार जब हो गया ना स्टार्ट, एक बार देख लूँ सही चल रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये लेक्चर टू है किसका? सिंपल टेंस का। ये पास्ट टेंस में कितने टोटल टेंसेस होते हैं? टोटल पास्ट के चार होते हैं। ये कौन से नंबर पर आता है? फर्स्ट पर आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक यूज़ बताया था तुम्हें इसका, पॉजिटिव इन नेगेटिव वे, कि क्यों इसे यूज़ किया जाता है। यूज़ नंबर वन क्या था इसका, किसी को याद है? अभी बोला था तुमने, क्या यूज़ था इसका? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट। इंग्लिश तो तुमने मान ली नोटबुक से देखकर, इसका मतलब क्या है अभी तुमने बताया था मुझे, बताओ। हाँ, जो हमने पास्ट में चीज़ की थी उसे बताने के लिए, जो काम। एग्जांपल मैं पूछता हूँ तुम्हें, मैं बर्गर खाऊंगा, ये आएगा क्या इसमें? मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैंने बर्गर खाया था, आएगा। मैंने ब्रश नहीं किया था, ये आएगा? आएगा। अब बोलोगे सर ये क्यों, आपने तो नहीं किया था, पर था तो पास के एक्शन जो नहीं किया था। मैंने दो वे में बताया था पिछली बार, कैसे तुमने बताना है कि पास में तुमने कुछ किया था, और कैसे बताना तुमने पास में कुछ नहीं किया था। तुम्हें एग्जांपल लिख देते हैं, मैंने कल बर्गर खाया था, तो रूल क्या लिखाया था मैंने? बर्गर खाया था, नहीं गलत, पॉजिटिव है ना, यहाँ नहीं तो लगा नहीं, तो क्या रूल था इसका पॉजिटिव का? सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। जब तुम्हें बताना है कि तुमने कुछ किया था तो ये फॉर्मूला लगाया था लास्ट वीडियो में। अगर कोई नया देख रहा है तो लेक्चर वन जाकर देखे यूट्यूब पे, नहीं पता लग रहा, ये लेक्चर टू है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो कैसे इसकी ट्रांसलेशन होगी? सब्जेक्ट कौन है? मैं की इंग्लिश आई। अब वर्ब मतलब क्या किया था, एक्शन क्या था? बर्गर मैंने खाया, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। मैंने फर्स्ट फॉर्म बोली या सेकंड ईट की? सेकंड बोली ना, ईट की सेकंड फॉर्म ईटन। किसी ने बोला ईटन? ईट ईटन होता है क्या? ईट एट ईटन। मैं कौन सा लगाऊं, पहला दूसरा तीसरा? दूसरा। वर्ब की सेकंड, वो जो भी तुम्हारा एक्शन है खाना उसकी सेकंड फॉर्म लगाओगे। आई एट। क्या खाया था? ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? फूड खाया था। फूड तो नहीं खाया, बर्गर खाया था तुमने। फूड कब खाया था? टाइम क्या था? कल। अब ये आने वाला कल है जो निकल गया कल है? निकल गया, जो निकल गया यस्टरडे। ये करवाया है बस, थोड़ी सी काफ़ी दिन बाद पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो इसीलिए बता रहा हूँ। अगर कोई देख रहा है वीडियो, सोच रहा है सर वही पढ़ाई जा रहे हो जो पहले पढ़ाया था, तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन बाद ये टॉपिक, फिर तुम्हारी छुट्टी हो गई थी तो काफ़ी दिन बाद करा रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है, तुमसे रहा नहीं जा रहा, तो थोड़ा वीडियो आगे स्किप कर लो। चलो दूसरा, मैंने एक और रूल करवाया था कि अगर तुम ज़रूरी तो नहीं यही बोलोगे कि मैंने कुछ किया था, ये भी तो बोल सकते हो कि मैंने बर्गर या फिर ये बर्गर किसने खाया? मम्मी ने पूछा। मैंने नहीं खाया। क्या बोला तुमने? मैंने बर्गर नहीं खाया था। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सकारात्मक है कि नकारात्मक है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पे रूल क्या था? सब्जेक्ट आगे क्या? नोट लगा दूँ सीधा? डेट नोट। ये माइंड में मत रखना ना कि यहाँ बस कहीं पे भी नोट लगा दोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। डेट नोट। अब वर्ब की फॉर्म क्या? सेकंड ही रहेगी क्या? फर्स्ट हो जाएगी। यही मेन चीज़ है, बहुत बार गलती होती है। अभी मैं कई बार किसी से बात करता हूँ ना, किसी को मैसेज कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैंने ये नहीं किया, तो मैं गलती से डिड नॉट तो लगा देता हूँ, बट सेकंड फॉर्म फिर लग जाती है। ये ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव था एट, जब नेगेटिव हो गया क्या हो गया? फर्स्ट। क्या एट का इट हो गया, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनाऊँ अभी दूसरे की? नेगेटिव कर दिया ना मैंने, नहीं लगा दिया, तो क्या सीधा मैं यहाँ पर नोट लगा दूँ? ऐसे लगाऊंगा आई डिड नॉट ईट आ जाएगा। समझ आया? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। जो मैं आज नई चीज़ कराऊंगा वो है क्वेश्चन बनाना। पिछली वीडियो में करा दिया था मेरे ख्याल से, पिछले लेक्चर में सॉरी, कि कैसे तुम्हें कोई चीज़ बोलनी मैंने की थी या नहीं की थी। आज देखेंगे क्या तुमने ये चोरी की थी, क्या तुमने मेरा बर्गर खाया था, आज क्या हो गया। अभी जवाब है कि सवाल है?
अब क्या, अभी तक तो जवाब था हाँ में ना में, अब क्या होगा सवाल? ये नया है जो आज पढ़ाने लगा हूँ, तो ये भी काफ़ी इजी है, तुमने शायद थोड़ा बहुत गेस भी कर लिया होगा कैसा दिखेगा। एग्जांपल ये रेज कर रहा हूँ, अगर तुमने नहीं पहले लिखा तो लिख लो, अगर वीडियो देख रहा तो स्क्रीन शॉट ले लिया इसका, जो मैं करवाने लगा हूँ इंटरोगेटिव का, हाँ स्क्रीन शॉट। पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते, कुछ भी पूछो मुझे। चलो मैंने तुम्हें पूछ लिया अभी, नहीं ये नहीं, नहीं नहीं क्या तुम, मैंने बाबू को पूछा क्या तुमने खाना खा लिया था, क्या पूछा मैंने बाबू को, मेले बाबू ने मैं खा लिया था, बाबू बाबू क्या तुमने खाना खा लिया था, क्या कल तुमने बोला ना, कल मैंने बाबू ने मेरे लिए व्रत रखा था, तो मैंने बोला बाबू रात को खाना कल खा लिया था, कल रात को क्या तुमने खाना खाया था, सॉरी खा लिया नहीं था, खाना खाया था, बक बक करी जा रही थी, मैंने पूछा खाना खाया था कि नहीं, व्रत नहीं था, बक बक सिर खाई जा रही थी, सिर खाई जा रही थी, आता माजी सटक ली। तो मैंने पूछा खाना खाया कि नहीं, पूछते हो ना कई बार, भी बोलता ही रहता बोलता रहता, जी भर कहते आज खाना खाया कि नहीं, और ये सच है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, HALT ये इसके रिलेटेड नहीं बट तुम्हारे काम आएगा, एच का मतलब हंगरी, ए का मतलब अलोन, शायद किसी को बताया भी हो मैंने पहले, अलोन नहीं, अलोन का नहीं एंग्री, एल का मतलब लोनली और टी का मतलब टायर्ड, भूखा गुस्सा अकेलापन और थकान, जब ये चार चीज़ें होती हैं ना तो समझ लो अगर तुम अपने आप पर काबू खो रहे हो, तुम जैसे होता ना तुम ऐसे शाम के टाइम फ़ोन चलाने लग जाते हो देखते रहते हो, तुम्हें पता है तुम्हें ये नहीं करना है पर तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वही काम करोगे तुम्हें पता नहीं करना है पर फिर भी करोगे, तुम अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। पर अभी देखना अगर तुम सुबह ही उठते ही पढ़ने लग जाओ, अगर मान लो तुम्हारा कंसंट्रेशन एकदम बैठेगा अगर उठते ही पढ़ने लग जाओ कोई चीज़ करने लगा, पर अगर तुम शाम को थके हो अकेला फील कर रहे हो पेट में कुछ खाना नहीं खाया है और गुस्सा भी आ रहा है, जो आदमी गुस्सा आता है अपने ऊपर कंट्रोल रखता है या नहीं रहता, उसका खाली पेट होता है दिमाग नहीं चलता, कहते ना खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, मोटू नहीं, मोटू नहीं कहता पतलू, पतलू को मोटू बोलता है, और जब अकेला हो आदमी तब भी उल्टे पुल्टे काम करेगा या थका हो, ये होता है जब आदमी इन चारों में से किसी कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशन में अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगता है। तो देख लेना तो कोई उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो ना, तो अगर देख लेना तुमने खाना खाया है कि नहीं, चेक कर लेना तुमने आराम किया है कि नहीं, थके हुए तो नहीं हो, क्या कल रात ओ क्यों गली देना, तुमने खाना खाया था, तो ये मेरा ना सिर खा रही है जी भर कदे कर रही है, वैसे नॉर्मल रहती है ये मेरी बाबू, बाबू मेरी क्या कल रात तुमने खाना खाया, वैसे ठीक ही रहती है, आज पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे लगा क्या पता पूछ इसने, ये वाले कंडीशन में तो नहीं है, हंगरी तो नहीं है, तने पूछा क्या कल रात तुमने खाना खाया था, बहुत चपड़ चपड़ कर रही हो, तो ठीक है, तो ये सवाल है कि जवाब है, और ये पास में हुआ था कि नहीं, पास में ही हुआ था ना, पूछ रहा हूँ मैं, तो नहीं पूछूंगा कल खाना खाओगे कि नहीं बाबू, खाना खा तो नहीं रही हो बाबू, मैंने पूछा क्या कर रहा तुमने खाना खाया था, मतलब पास में एक्शन हुआ था, बट इस बार सवाल है, तो सवाल के लिए देख लो रूल क्या है, ये था जवाब का पॉजिटिव नेगेटिव, सवाल का रूल क्या है देख लो, वही है नेगेटिव को ही घुमा दूंगा मैं, ज़रा तुम्हें जाना तो नहीं है, बैठो फिर ज़रा, रूल देख लो किसका, सवाल का कि जवाब का, सवाल का, ये पूछना है कि तुमने ये प्रेजेंट में एक्शन किया था कि नहीं, सिंपल पास्ट में, तो रूल सिंपल है, डिड प्लस सब्जेक्ट वही है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन वाला भी आ गया, जब डिड लग जाता है तो V2 रहता है या V1, तुमने पढ़ा है ना V1, जब नहीं हो डिड तब V2 रहेगा, जब डिड आ गया डिड नॉट आएगा, नोट लगाने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, B1
ऑब्जेक्ट। और लास्ट में अगर सवाल है तो हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क ये लास्ट में, ये तुम्हारा रूल है। जब तुम्हें सवाल पूछना है इन द सिंपल पास्ट टेंस, जब तुम्हें पता करना है कि ये एक्शन क्या तुमने पास में किया था, क्या तुमने नहीं कोई और भी हो सकता है। अरे वाह, मार्कर ही ख़त्म, ये तुम्हारा रूल है। अब बताओ कैसे बनाएंगे, पहले क्या लगेगा इसमें, ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको, पहले क्या लगता है रूल के हिसाब से, वट कहाँ लगाया नहीं उसके लिए नहीं है, पहले डेट लगेगा, उस पर आएंगे जो तुमने सोचा है वो अलग चीज़ है। डेट सब्जेक्ट कौन है मेरा, कौन किसको पूछा तुमने खाना खाया था कि नहीं, किसको, तुमने, तुम्हें को बोलेंगे यू, तुमको बोलूँगा यू। यहाँ नहीं लगाया क्या, मैंने पूछा क्या तुमने खाना कल नहीं खाया था, नहीं 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 लगाया तो नोट भी नहीं है, नहीं नहीं है तो नोट भी नहीं है, नहीं नहीं है तो नोट भी नहीं, नहीं है तो नोट भी, ये रैप बन गया। डिड यू, नहीं नहीं है तो नोट भी नहीं है, क्या क्या पूछा मैंने, क्या एक्शन तुमने किया था, खाना, खाने को क्या बोलेंगे ईट, पहले ही फॉर्म लगेगी। और खाना ऑब्जेक्ट क्या, क्या खाया, फूड खाया, नहीं पूछा क्या मैंने। और कल रात को क्या बोलोगे, हाँ ये सही है, तूने सही बोला लास्ट नाइट, आज रात, हाँ आज रात को बोलोगे, मैं एक टेबल ही बना दूंगा आगे जाके किसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने पहले किया था, पर आज रात को बोलोगे टुनाइट, पर कैसे पता लगेगा पिछली रात की बात हो रही है, तो अभी इसने बोला लास्ट नाइट, जो निकल गया लास्ट पीछे वाला, और रात को नाइट बोल दिया, कंप्लीट। लिखो रूल भी लिखो, एग्जाम्पल भी लिखो, अगर नहीं लिखा है तो, तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है तुम भी लिख लो, फ्री में शो देखोगे क्या, खाली पीली, हाँ स्क्रीनशॉट ले लोगे, चलो जल्दी चलो, तुमने भी करना है एक्सरसाइज, इतनी देर भगवान ने वक्त दिया है मुझे, पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, बीच में क्लास ख़त्म हो सकती है, मुझे कोई काम पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं है क्लास आज, हाँ तुम बहुत खुश हो, हैं टुकर टुकर क्या देख रहे हो, ये टुकर टुकर देखना क्या होता है। अच्छा समझ आया अभी तक जो पढ़ाया, पक्का तुम नहीं हो, अगर तुम्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो तुम इसका पहला लेक्चर देख सकती हो, लेक्चर वन, ये लेक्चर टू है, यूट्यूब पर है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर हुआ हाँ सब्सक्राइब आ जाती है, चलो यार थैंक यू, यही तो चाहिए, हाँ मुझे सब्सक्राइब प्रूव नहीं चाहिए ना लाइक चाहिए, वैसे अच्छा है कोई करता है लाइक कमेंट, बट मेन मुझे चाहिए लोग शेयर करें आगे। ओ नमूनो, तुम दोनों को बोल रहा हूँ नमूनो, मुझे इतना सब्सक्राइब का भी शौक नहीं है कि मेरा हाँ सब्सक्राइबर, कभी देख लेना मैं कभी वीडियो के लास्ट में नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब, मैं नहीं बोलता गलत है, बट मैं मेन जो चीज़ चाहता हूँ वो है शेयर, कि लोग शेयर कर दें, लाइक व्हाट्सएप पे अपने शेयर कर दें, इंस्टाग्राम तो है ही तुम लोगों के पास, मैं चाहता हूँ जिसको ज़रूरत है ना वहाँ तक वीडियो देख जाए, कहीं को तो पता ही नहीं मैं पढ़ाता हूँ, किसी को इंग्लिश सीखनी है पर उनको पता ही नहीं देव सर है, तो वहाँ तक तुम वीडियो पहुँचा दो वो ज़्यादा बढ़िया है, सच हाँ शेयर करो, जो कोई देख रहा है तो वो भी उसका अगर है वो ज़्यादा मैं सपोर्ट होगा मेरे लिए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करो, अब कोई गाने तो तुम शेयर करते ही रहते हो रील डाल डाल कर, हाँ ये नहीं डालोगे ये वाला स्टेटस, वो वाली वो चलती है जो इंस्टाग्राम, तो तुम तो चलाते ही हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कर दो, एक तो अंकल ही देख लेंगे वो वाले अंकल जो गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं हमेशा, हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है, उनको ही अच्छी लग जाए, चलो इधर आते हैं वापस। हाँ मैंने ये बताना था, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कल रात कल दोपहर, ये मैं एक टेबल बना लेता हूँ तुम्हें पता लग जाएगा, हाँ तुम्हें पता है जो देख रहा है उसका क्या, ये रेस करूँ कर रहा हूँ, एक टेबल बनाते हैं, इसको मैं रेस कर दूँ क्या, नहीं रख लेते यार, इसको ऐसे करते हैं ऊपर कर दूँ, इसी बहाने मुझे पता लग जाएगा तुम्हें रूल याद है कि नहीं, फिर से बोलना रूल, पहले क्या लगता है डेट, फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस ब्रैकेट में नोट पत्र प्लस एस ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया, नोट ब्रैकेट में क्यों है, ऑप्शनल है भाई, इतना क्यों कन्फ्यूजन करना है, नहीं नहीं है तो
कई बार सवाल में नहीं होगा, जैसे जवाब है हाँ में भी होता है ना में भी, सवाल में भी तो हो सकता है। क्या तुमने कल खाना खाया था, क्या तुमने कल खाना नहीं खाया था, पॉजिटिव क्वेश्चन की क्वेश्चन। तो नेगेटिव है नहीं लगा सवाल में तो लगा दो, अदरवाइज छोड़ दो। एक टेबल बना रहा हूँ। अच्छा आज को क्या बोलोगे, टुडे। पर अगर जो कल निकल गया है पास्ट का कल है, क्या बोला, यस्टरडे। ठीक है, इतना। अगर पूछूं कि क्या तुमने आज सुबह ब्रश किया था, आज सुबह तुमने नहाए थे क्या, नहाए थे क्या, सुबह का तो क्या बोलते हैं तुम्हें पता ही है, क्या सुबह का मॉर्निंग, और तुमने अभी बता ही दिया आज सुबह को, दिस लगा देना। पर अगर बोलूं कल सुबह निकल गया, आने वाला नहीं वो लाइक टेबल था, ये पिछला है। कल सुबह अगर कोई वीडियो देख रहा बोल रहा है सर हमें तो पहले से ही आता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो स्किप करो ना फिर आगे, नहीं पता तो देख लो। कल सुबह मॉर्निंग तो लगेगा, और जो निकल गई मॉर्निंग पिछली वाली, आज की नहीं कल वाली मॉर्निंग, आज मान लो मंडे है, तो जो संडे की मॉर्निंग थी जो निकल गया उसके कैसे बताएंगे कि कल मॉर्निंग मैंने ये किया था, यस्टरडे मॉर्निंग नहीं, कल को यस्टरडे बोलोगे और सुबह को मॉर्निंग बोलोगे, पर दोनों को मत मिला देना। तुमने एक बनाया था बड़ा अच्छा, कल रात को क्या बोला था तुमने, लास्ट नाइट, तो कल सुबह को क्या बोलोगे, हाँ देख तुम्हारे मुँह से आंसर निकलवाऊंगा, तुम्हें सब पहले से ही पता है। हाँ ये भी सही है, ये भी वेरी गुड, प्रीवियस प्रीवियस। तुम लास्ट की जगह जहाँ जहाँ मैं लास्ट लगा रहा हूँ उसकी जगह प्रीवियस वर्ड भी लगा दो, चल जाएगा। हाँ जैसा तो मैं अच्छा था, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन था प्रीवियस यस्टरडे। अरे वो भी सही है, बट वो इतना फैशन में नहीं चलता है ज़्यादा, लास्ट लॉजिकली सही है कल सुबह, बट चलता वैसे नेचुरली, मतलब मैं इंग्लिश देखता हूँ, जो इंग्लिश में बात करते हैं वो या तो बोलेंगे लास्ट मॉर्निंग या लास्ट जो भी है, या प्रीवियस मॉर्निंग, लास्ट की जगह तुम प्रीवियस लगा देना चल जाएगा यहाँ वाले में। अच्छा दोपहर को क्या बोलोगे, नहीं सिर्फ अभी दोपहर को पूछा है, नून, आज दोपहर दिस नून। मैंने पूछा क्या आज दोपहर तुमने खाना खाया था, तो दिस नून। क्या कल दोपहर खाया था, तो लास्ट नून, या फिर एक अभी लड़की ने बनाया था प्रीवियस नून। वैसे आपका नाम क्या है, हरप्रीत ने, हरप्रीत ने अच्छा बोला था, या प्रीवियस नून भी बोल सकते हो। जब कल के बाद आ गया बस जो वर्ड है ना वो उसकी इंग्लिश बना दो और उसके पीछे लास्ट या प्रीवियस लगा दो, यही है। अच्छा दोपहर के बाद क्या आता है, शाम, शाम, शाम मेरा, हाँ देसी, हाँ ठीक बनाया तुमने, बहुत तेज है यार। दिस इवनिंग, कल शाम को, वो आज नहीं पढ़ेंगे हम, वो वाला मैंने उससे पढ़ाया आज, फ्यूचर कंटिन्यूस का आज मैंने पढ़ाया है, उसमें टेबल बनाया है, वो लेक्चर आज हो जाएगा अपलोड, फ्यूचर कंटिन्यूस उसमें पूरा टेबल बनाया है, तो मैं उसमें कर सकते, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं बता रहा, फ्यूचर की तो बात ही नहीं है इसमें, उसका क्वेश्चन ये है तो मैं नहीं पता लगा। बोला सर आने वाले दोपहर को क्या बोलेंगे, आने वाली शाम को क्या बोलेंगे, वो इसमें नहीं बता रहा हूँ फॉर टू रीजंस, टाइम बचाने के लिए, और इस टॉपिक में रेलिवेंट नहीं है वो। हाँ वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग बोलते हैं उसको, फिर बता देता हूँ जल्दी से, आज है तो दिस वाले, निकल गया तो लास्ट या प्रीवियस लगा दो वर्ड के आगे, फॉर एग्जांपल दिस मॉर्निंग, आज मॉर्निंग, निकल गया लास्ट मॉर्निंग या प्रीवियस मॉर्निंग, और आने वाला नेक्स्ट मॉर्निंग। ये ऐसे है जैसे तुम म्यूजिक प्लेयर नहीं देखते हो जो इधर को इशारा करता है, गाना आगे लगा रहा तो नेक्स्ट, पिछला गाना रहा तो लास्ट या प्रीवियस, ये वाला तो दिस ऐसे लगा होता है ना, एक बीच में लगा होता है बंद करने के लिए, और इधर एरो होता है, इधर होता है नेक्स्ट लास्ट या प्रीवियस, और ये दिस, ऐसे याद रखो, अगला गाना लगाना तो नेक्स्ट लगाओ, पिछला लगाना तो लास्ट या प्रीवियस, और अभी वाला लगाना चल रहा है बंद चालू करना है तो दिस। पता नहीं तुम कंफ्यूज ना हो गए, मुझे डर लग रहा है, ज़्यादा ज्ञान ना बांट दिया मैंने कहीं, यहाँ पर लास्ट इवनिंग, मैं देखूँ वीडियो चल, हाँ जी केडी डस्ट एंड मुझे भी कन्फ्यूजन है, छोड़ के बोलो, ये ऐसे गाना भी है डस्ट टेल डाउन है ना,
नहीं मुझे पता लग गया, एक एक सनसेट को बोलते हैं और एक दूसरा सनराइज को बोलते हैं मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से डाउन सुबह वाले। नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सच बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारा क्वेश्चन फ्री का सबको अच्छा लगता है ना, यूट्यूब पर देखो फिर बैठ कर। हाँ अच्छा, उसका क्वेश्चन है कि कई बार ऐसे बोलते हैं डस्क एंड डाउन, सूरज निकलेगा कि डस्क बोलें या डाउन, और जब सूरज डूबेगा उसको क्या बोलें। ऐसे मुझे भी नहीं पता अभी, मैं मान लेता हूँ, बट मेरे हिसाब से गैस कर लेते हैं। अगर गलत हुआ तो कोई कमेंट में बता देगा या मैं ही अगले दिन आपको बता दूँ। मेरे हिसाब से डाउन नीचे का होता है और डस्क ऊपर, और उल्टा भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। डाउन मेरे हिसाब से इसलिए बोला क्योंकि डाउन डाउन है, बट उल्टा भी हो सकता है। बट हाँ मैं तुम्हें रिसर्च करके बता दूँगा, या अगर कोई देख रहा है तो वही बता दे। अच्छा रहने तो शेर। अच्छा रात को तो अभी हमने बात भी की थी, वो मैं नहीं लिखूँगा। आज रात है तो टू नाइट, पिछली लास्ट रात है तो लास्ट नाइट, या फिर प्रीवियस नाइट, वो हमने एग्जांपल दे था। ये रेस करके एक चीज़ और बताने लगा हूँ, ये लिख लो, तुमने सबने लिखा, तुमने नहीं लिखा। इतना छोट वो वाह तेरे, ये क्या है, ऐसा लग रहा है सोलो डस्क शाम हो गया। देखा गलत था ना मैं देखा मैं गलत था ना देखा मैं गलत था, मैं मान लेता हूँ जब मुझे कोई चीज़ नहीं पता। तुम भी ये मत करना, मैंने कहीं सुना था, तुम्हें शेयर भी किया था कि एक पर्सन था सोक्रेटिस, पता है सोक्रेटिस, सोक्रेट, उस पर्सन को माना जाता है सबसे समझदार, सोक्रेट्स, सुना है इसके बारे में? नहीं सुना बस। अब मान बहुत पहले टाइम में सबसे ज़्यादा वाइस पर्सन, मतलब सियाना होता है ना, इसको कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम में फंसे हो, तुम जाओगे किसी के पास ज्ञान लेने, तो वो सोक्रेटिस, इनको माना जाता था, सब कोई इनके पास जाते थे, समझ आया, बहुत समझदार इंसान माना गया, इनके पास ज्ञान था, एक्सपीरियंस था, ऐसे बोल सकते हो। तो सोचो जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी है उसने पता क्या बोला, जिसको जिससे हमें उम्मीद है कि इसको तो पता ही होगा सब कुछ, उसने बोला आई नो दैट आई नो नथिंग, उसने बोला मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। सोचो इस पर्सन सुकरात भी बोलते हैं उसे इंडिया में हम, वैसे सोक्रेट्स सोक्रेटिस अलग अलग नाम है, सुकरात, उस पर्सन ने बोला मुझे पता है मुझे कुछ नहीं पता, जिसे तुम उम्मीद लगाए, जिसे सबसे ज़्यादा माना गया कि सब पता है, वो ऐसा क्यों बोलेगा। ये रियलाइजेशन मुझे बहुत टाइम पहले हुई थी, और यही समझा, यही जिसको जिसकी ये समझ आ गई ना जिसको, वो कभी सीखना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे तो सब पता है, तुम सीखोगे क्या कुछ नया। पर जब तुम सोच के चलोगे यार मुझे तो अभी बहुत कुछ नहीं पता है, तुम मेरी कितनी क्लास लगा ली मान लो, और तुम सोचोगे एक पर्सन बोलेगा स्टूडेंट वन, हाँ मैंने सर की 10 क्लासें लगाई मुझे सारी इंग्लिश आ गई, मैंने 20 क्लासें लगाई, मैंने यहाँ से पढ़ा इंग्लिश मुझे सब आ गया। एक बोलेगा यार मुझे तो कितना कुछ नहीं पता था इतना, मतलब क्लास लगाने के बाद, और मैं क्या करेगा यार नहीं जानता अभी भी, जिसने नई चीज़ें भी सीखी और ये भी जाना कि मुझे कितना कुछ नहीं पता है। कौन सा ज़्यादा ग्रो करेगा, जिसको लगता है मुझे सब पता है, और कौन सा, कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है कि तुम्हें लगता है हाँ मुझे पता है, कॉन्फिडेंस चाहिए, पर एक घमंड होता है मुझे सब पता है, ये मेरी बहन बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है भैया सब पता है, नहीं पता जो मानता है, ये भी नहीं कि तुम लो फील करने लग जाओ सर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, वो वाला भी नहीं, तुम्हें एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यार मुझे तो ये भी नहीं पता था, वाह नई चीज़ सीखने को मिली, अब जैसे मुझे तुमसे पता लग गया, मुझे नहीं पता था, मैंने पहले ही मान लिया, मैंने वो नहीं दिखावा किया। तुम भी ये कोशिश करो, कल को इंग्लिश सीख लो तो ये मत कहना मुझे आ गया सब कुछ आ गया, कंप्यूटर सीख लिया, तुम सोचा कितना कुछ नहीं पता मुझे अभी भी, कितना कुछ दुनिया में सीखने, और तुम सब कुछ सीख ही नहीं सकते कभी, कुछ जान नहीं सकते सब कुछ, कुछ जान सकते हो तुम, इतनी सी बाल्टी पानी चुल्लू भर पानी जान सकते हो, पर इतना बड़ा समुंदर है ज्ञान है तभी नहीं जब जान सकते, किसी को सब कुछ नहीं पता है, किसी को सब कुछ नहीं पता है, एक हो सकता है वही है बस, उसको सब पता है, उसको सब पता है। तो कभी ये बताने देना, अब मुझे पता लग गया जब सन सेट होता है, सॉरी सन
राइज होता है, सन जब ऊपर जाता है उसको बोलेंगे डस्ट, राइट। अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, उसको डाउन बोलना है। अच्छा हाँ, जो ऊपर आएगा तो डाउन उल्टा हो गया, वैसे इसका उसका होना चाहिए था डाउन, इस यहाँ पर उल्टा मतलब हो गया, जो ऊपर आएगा तो डाउन, नीचे जाएगा तो डस्ट। चलो जिसने, हाँ इधर वापस आओ, देख लो एक बार परफॉर्म करके। चलो मुझे अच्छा लगा, नए नए क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, मुझे भी नई चीज़ पता लगी, मैंने देखा था बट मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं पता था, छुपाता नहीं हूँ मैं। जब तुम्हें कोई पूछे सवाल अगर नहीं पता लगा तो बोल दो नहीं पता लगा या नहीं आंसर है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, छोटे नहीं हो जाते। चलो एक लास्ट चीज़, अगर हम बोलें परसों मैंने कुछ किया था तो परसों जो निकल गया उसको क्या बोलोगे? द डे बिफोर यस्टरडे। आया समझ? परसों को बोलोगे, अच्छा चौथ भी तो होता है, चौथ, चौथ को क्या बोलोगे जो एक दिन परसों से भी एक दिन पहले निकल गया? हमारे लिए तो है ना वर्ड वो चौथ, इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि मैंने ये चौथ को किया था? हाँ हाँ, सिंपल लॉजिक, यस्टरडे से एक दिन पहले जो होता है वो परसों होता है ऑब्वियसली, तो जो दो दिन पहले होगा वो चौथ होगा, तो कैसे बोलोगे? टू डे या डेज? एस क्यों लगा? पिछली बार क्यों नहीं लगा था? क्योंकि एक ही बात हुई ना, टू डेज, होशियार हो गए हो, या तो टीचर का कमाल है या तो तुम वैसे ही थे शुरू से, दोनों ही हैं, थोड़ा हाथ अपना भी है थोड़ा अपना तुम्हारा भी है। चलो अगर ये बच्चा एक बैठा है वो बोलेगा मुझे सब आता, वो चीज़ें नहीं सीखेगा, एक बच्चा है यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं मैं क्या क्या नहीं सीख सकता, उसके डब्बे खुले हैं, दराज होते हैं ना लॉकर रूम, उसके सारे लॉकर खुले हैं, वो तो नया नई चीज़ें डाल लेगा, जिसने पहले ही बंद कर दिया वो नहीं जाएगा कुछ, बोलेगा मुझे सब आता, उसने दरवाजे बंद कर दिया, और जो बोलेगा मुझे कितना कुछ नहीं पता उसके दरवाजे खुले हैं, वो सीखता रहेगा सीखता रहेगा। और आज भी मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ 1.5 साल से ज़्यादा, पर मुझे आज भी लगता है मैं आज भी इसका स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, कभी ये नहीं बोलता मुझे इंग्लिश आती है, मतलब ऐसे बोलनी आती पढ़ाने आती, पर सब कुछ इंग्लिश के बारे में मैं कभी नहीं बोलूँगा मरने दम तक, बहुत कुछ है जो मैं आज भी सीख सकता हूँ मेरा मानना है। चलो वापस आते हैं, तुम्हें ज्ञान ज़्यादा बांट दिया मैंने अब ये रेस करूँ। अच्छा एक और क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ मैंने कल नहीं सॉरी हम इस शनिवार मिले थे या इस बुधवार मिले थे, चलो बुधवार, बुधवार को क्या बोलते हो? ट्यूसडे बोलते हो, बुधवार नहीं सॉरी वेडनेसडे, हाँ थैंक यू याद कराने के लिए, मैंने सोचा मंगलवार, ठीक है वेडनेसडे, अगर बोलते ना आज सॉरी इस हफ्ते के वेडनेसडे मिले थे तो लगाते दिस वेडनेसडे, अगर बोलते पिछले बुधवार मिले थे तो लास्ट, या फिर लास्ट ज़्यादा सुंदर लगता है बोलने में, प्रीवियस वेडनेसडे। तो अगर हफ्तों की बात हो रही सॉरी दिनों की बात हो रही है, अगर तुम्हें बोलना इस हफ्ते किया था तो दिस उस दिन का नाम, मंडे संडे, एग्जांपल के तौर पे पूछूं बेटा क्या तुम इस मंडे इसको यहाँ आए थे पढ़ने, तो इस मंडे को क्या बोलता? दिस मंडे। पिछले मंडे आए थे क्या? लास्ट या प्रीवियस मंडे। और ये सिर्फ इसी पर अप्लाई नहीं होता है, तुमने बोला मैंने बोला तुम्हें मेरे पैसे नहीं दिए, तुमने बोला इस महीने तो दिए थे, दिस मंथ, पिछले महीने दिए थे, लास्ट मंथ, इस साल का किराया दे दिया मैंने, दिस ईयर, पिछले साल का तुम्हारा नहीं आया, पर अभी तक किराया कितना चढ़ ही जा रहा, सामान निकाल देंगे तुम, ऐसे बोलते हैं वो लोग, बड़े अच्छे लगते हैं। चलो अब बहुत हो गया, टेबल बना लेना अच्छा सा एक सुंदर सा, ये काम आएंगी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में दोनों टाइम, जब तुम किसी को पूछोगे तब भी ये काम आएगा और तुम्हें कोई पूछेगा तब भी तो काम आएगा ना, ऐसे समझते ही नहीं। मैं कल को बोलता आई वेंट टू दिल्ली 2 डेज बिफोर यस्टरडे, अब तुम सोचोगे ये क्या है, इतना तो समझ आ गया भाई तो दिल्ली गया था, पर 2 डेज बिफोर यस्टरडे क्या है, क्या है, फिर याद आएगा देव सर नहीं बताया था चौथ को बोलते हैं 2 डेज को, तुम्हें समझना भी आसान होगा बताना भी आसान हो जाएगा। चलो वापस आते हैं, कोई सवाल कोई भी तुम बनाओ।
मैं पिछले इतना बड़ा भी नहीं बनाना है, थोड़ा सिंपल रखो सबको समझ। चलो नहीं थोड़ा ही नेक्स्ट करना है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट का, क्योंकि फ्यूचर में आएगा ना, आज नहीं होगा, बट बाकी होगा दिस आज पिछला। ओके यार थोड़ा इजी, इतना छोटा बड़ा नहीं है ये, अभी तो हुआ था बर्गर बुर्गर खाया था, तुम बनाओ कुछ भी। सवाल पूछना है ना सर, जब बताना नहीं है, पूछना है किसी को कि क्या तुमने ये किया था। अच्छा भूल भी गए तुम। क्या तुम कल लो, अरे थोड़ा लॉजिकल भी बोलो ना, असली लगना चाहिए, ऑब्वियस है गई होगी। चलो रुको, क्या तुम कल स्कूल आई थी, क्या तुम कल स्कूल आई थी या गई थी, तो कौन सा बोलूँ, आई कि गई थी। क्या तुम कल स्कूल क्या आई कि गई, आई रे आई रे, गाना था ना ये, मुझे भूल गया अब, जम जमा कर आई रे। क्या तुम कल स्कूल आई थी, ये सवाल है ऑब्वियस, क्वेश्चन मार्क रूल लिखाया हुआ है। पहले क्या लगता है, डेट किसको पूछा, यू तुम्हें, सब्जेक्ट तुम हो, पता लग रहा है ना शॉर्ट में, एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नहीं लगा है क्या, मान लो लगा देता हूँ, क्या तुम कल स्कूल नहीं आई थी, अब ये नेगेटिव सवाल है तो नोट लगेगा, नहीं लगा है तो नोट भी। हाँ तुम हो, नोट में नहीं क्यों बोला, तुम हो तो हम हैं, तुम हो तो हम है तो तुम भी हो, ऐसा नोट ने नहीं को बोला, नोट लगेगा क्योंकि अब नहीं है ना, जाना थोड़ी आना है, आने को क्या बोलते हो जब पूछते हो, मे आई कम, कम डिड यू कम टू, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, मैंने बताया नहीं कब, क्या टाइम तो मैंने बोला कल, सॉरी यस्टरडे, परसों होता तो यस्टरडे, चौथ होता तो कल, सुबह होता तो आए, आए आज मैं मर गया तेरे पे, है नहीं मर जा, आज तूने दिल जीत लिया, आज लग रहा पढ़ रहा है, ये लड़का कोले से आता है टेढ़ा, फिर भी इसका दिमाग खुला हुआ है, पता नहीं कैसे मैं थक जाता होता था, क्यूरियोसिटी चाहिए इसके लिए, नहीं कई बच्चे बोलते हैं सर इतनी दूर से आए हैं, मैं तो थक गए, छोड़ो ना क्या पढ़ाना आज, कई ऐसे भी होते हैं, टैट रही था ये टैट रहे ना क्या है, एक तो वो मतलब है टाइट रही था, बंदा टाइट है। चलो ठीक है इतना, मुझे टाइम देखने दो। चलो देखो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम ही हो, मैं इसी क्वेश्चन में सारा कवर कर लेता हूँ, रुको इसको रेस करूँ, ये याद रखना हमेशा, सोक्रेटिस ने क्या बोला था, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जब भी घमंड आने लग जाए ना याद कर लेना इसको, नहीं आता, हाँ ये जो बोलता है ना कुछ भी नहीं आता, उसी में बाद में दिखता है। अच्छा मैं को इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैं को आई, हमको वही, वो लड़का है तो मेल है ही, लड़की है तो शी, वो लड़की है, एक लड़की है, एक कुड़ी जेदा नाम मोहब्बत है, नहीं सुना तुमने, गाने सुना करो, ज़्यादा इंग्लिश मत पढ़ा करो ज़्यादा इंग्लिश पढ़ पढ़ के पागल हो गए हो, ऐसा बोला। अगर वन प्लस का मतलब है जिनकी बात कर रहा हूँ, हाँ दे, जिनकी बात कर रहा हूँ वो ना लड़का है ना लड़की है, एक से ज़्यादा है, लड़के भी हो सकते हैं लड़की, बट एक से ज़्यादा, जो तीसरे जिसकी बात कर रहा हूँ तो दे। और तुम्हें क्या बोलूँ, अभी दिखाई है यू, यहाँ अगर लिख दूँ मैं, क्या वो कल स्कूल आई थी, क्या क्या लगाता है सब्जेक्ट के, अब क्या आ गया वो, तो वो की जगह क्या होना, लड़का की लड़की थी तो लगा देते डिड शी, अगर बोलता क्या वो कल स्कूल आया था तो कौन है ये, लड़का लड़की, और उसके लिए क्या लगाओगे, ऐसे बना, एक एग्जांपल बता रहा, और क्या हम कल स्कूल आए थे, ये वो बच्चे हैं जिन्हें कुछ याद नहीं रहता है, अपने आप को ही पूछ रहे हैं कल आकर, क्या हम कल स्कूल आए थे क्या, हाँ नहीं हुआ क्या, इन्होंने कुछ चीज़ तोड़ दी, टीचर को शक इन पर ही हुआ, तो फिर जानबूझ के नौटंकी कर रहे हैं,
टीचर ने बोला तुमने किया होगा, तुम आए थे ना कल, क्या हम स्कूल आए थे क्या, ऐसे पूछ रहे, तो हमको क्या बोलोगे, वही कल हम स्कूल नहीं आए थे सॉरी। और अगर मैं बोलूँ क्या वो कल स्कूल आए थे, नहीं टीचर ने बोला मुझे पता तुम झूठ बोल रहे हो, फिर वो दूसरे से पूछा क्या वो कल स्कूल आए थे, क्या वो कल आए थे, वो जो है अब एक एक लड़का है लड़की से एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, क्या वो कल स्कूल आए थे, तो लगा दिया दे। समझ आ रहा है, एक ही एग्जांपल में कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं खींच रहा हूँ, सब पता देखा यही चलो ये भी अच्छा है, ठीक है थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना क्लियर, थोड़ा सा रह गया लेक्चर, तुम बताओ मैं ख़त्म कर दूँगा, तुम बोलोगे तो हाँ तुम बोलते ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये लास्ट फिर अब थोड़े दिन लेक्चर नहीं लगेंगे, बता दो मुझे बोलना ज़रा, चुप तुम मत बोलो, तुम जाओ अर्श, हाँ यहाँ से कर दो ठीक है। अच्छा कर दूँ थोड़ा कंटिन्यू और पक्का, देखो इसी में इंटरोगेटिव में अब ज़रूरी तो नहीं हम हर बार कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म मतलब हर बार तो नहीं पूछेंगे क्या तुम, क्या वो कल स्कूल आए थे या नहीं आए थे, ये भी तो पूछ सकता हूँ, वो कल स्कूल कितने बजे आए थे, वो कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, एडमिशन था, अब मैम नहीं है, पोज करना ज़रा वंश, पोज करना, पोज करना आता है ना ऊपर, दो दो आ जाओ बैठ जाओ मैं देखूँ ज़रा, ऐसे ही मैं हवा में ना बात करता रहूँ, चलो जल्दी देख लो अभी, सॉरी मुझे बीच में बुला लिया था, बीच में थोड़ा आगे पीछे हुआ वीडियो में, मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। देखो सवाल भी दो तरह के होते हैं, कई बार तुम्हें पता ही होता है कि क्या हो किया था या क्या नहीं किया था, सिर्फ तुम पूछते हो कन्फर्म करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल खाना, क्या तुमने कल खाना खा लिया था, क्या हो गया चल रहा है सही है, क्या तुमने कल खाना खा लिया था या तुमने कल खाना नहीं खाया था, सॉरी खा लिया नहीं, खाया था या नहीं खाया था, इसमें मुझे पता है ऑलरेडी एक्शन क्या है, या तो तुम मुझे हाँ में जवाब दोगे या फिर हाँ मैंने खाया था या मैंने खाया, ये तो नहीं बोलोगे तुझे क्या ये तो नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे हाँ जी मैंने खा लिया था या नहीं जी मैंने नहीं खाया था, इसमें मैं कन्फर्मेशन कर रहा हूँ यस और नो। बट कई बार हमें कुछ ढूंढना भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने कल खाना कितने बजे खाया था, क्यों नहीं खाया था, कहाँ खाया था, बाहर खाया तो कहाँ खाया, अब क्या कर रहा हूँ कन्फर्मेशन या मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, क्या बोला ढूंढ रहा हूँ, इस सवाल में ढूंढ रहा था क्या, इसमें तो मैं बस कन्फर्म कर रहा था क्या वो कल नहीं आए थे या क्या वो कल आए थे, पर अगर पूछता कल वो क्यों नहीं आए थे, अब क्या कर रहा हूँ कन्फर्मेशन या ढूंढ रहा हूँ, तो उसके लिए लगाने पड़ते हैं क्या, भूल गया हो क्या, हाँ तुम्हें डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाने पड़ते हैं, क्या लगाने पड़ते हैं, अच्छा ये लगाने पड़ेंगे जब तुम्हें कुछ ढूंढना है, सिर्फ कन्फर्मेशन नहीं करना है, तो बताओ मुझे कौन कौन से डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, रुको ज़रा मुझे अपना मार्कर बोर्ड पर बैठाने दो, अब बोलो कौन कौन से डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, वट वेयर, अच्छा वट का मतलब क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें पता करना हो क्या किया था तुमने, क्या किया, क्या किया क्यों तो किया, अच्छा वेयर कहाँ, पंजाबी में कितने, मतलब प्लेस ढूंढनी है क्या प्लेस में किया था, और वाई क्यों, क्यों चले गए तुम छोड़कर, क्यों मेरा दिल तोड़ा था तुमने, शर्म नहीं आई, अच्छा क्यों क्यों यूज़ करते ये तो बता दो, जब हमें क्या ढूंढना हो, रीज़न ढूंढना हो, वजह ढूंढनी हो, कारण ढूंढना हो, अभी तुमने क्या बोला हाउ, हाउ क्यों यूज़ करते हैं, कैसे तुमने ये कैसे किया, कर तो लिया कैसे किया, तरीका क्या था तुम्हारा, तुम क्या? उसके बाद क्या बचा, हु का भी यूज़ करते हैं, कौन किसके साथ कौन था, मैंने तुम्हें कल बाज़ार में जाते देखा था, किसके साथ गए थे तुम, कौन था, जो तुमने खाना खा लिया, हाँ जी मैंने खाना खा लिया, किसके साथ खाया था, हु, कुछ रहता है क्या, एक रह गया बैन, जब पता क्या करना हो, कब कदों पंजाबी में टाइम पता करना हो, ये जब, और किसी सबको पता है ना डब्ल्यू एच वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके स्टार्टिंग में डब्ल्यू 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 एच लगता है, शॉर्ट में बोल दिया, और या फिर इनके खो नाम है क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए तो लगाओगे, सब जवाब देते टाइम लगाओगे कैसे,
एक आधा लगाते हो वैसे, मैं बताऊंगा किसी को, पर बहन लग जाता है, वट भी लग जाता है जब आप डेट हैं, वेयर भी लग जाता है, बट मेन इन्हें क्वेश्चनों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड भी या क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है। तो अब इनकी हेल्प लेते हैं, सवाल कोई बनाएगा कि मैं बनाऊँ, मेरी तो क्रिएटिविटी गिर रही है, खाना नहीं खाया सुबह से, तुझे दुकान बंद करवानी है मेरी। चलो बोलो कोई सवाल जिसमें ढूंढना है कन्फर्मेशन, नहीं तुम ये नहीं बोलो किया था कि नहीं किया था, इनमें से कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करो, पास में क्या तुमने कहाँ किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, कौन था, क्या है सवाल बनाओ, जल्दी क्लास ख़त्म करनी है कि नहीं। हाँ तुम कल कहाँ, ये अच्छा सवाल है, ये लिखा तुमने, अगर तुमने पहले से लिखा है तो रहने दो, अगर तुमने हो तुम साथ वाली से देख लेना बाद में, पहले ही मत बना, रुक जा बाकियों को भी करने दो। अच्छी बात है तुम मन में बना रहे हो, तुम कल कहाँ गए थे, अच्छा आप बताओ कंफर्मेशन है कि ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे क्या, कहाँ, कहाँ मतलब प्लेस, प्लेस के लिए क्या लगेगा डब्ल्यू एच वर्ड, वेयर, अब क्या लगेगा डेड, सब्जेक्ट वन है, तुमको क्या बोले यू, नहीं लगा है क्या, नहीं लगा, नहीं नहीं है तो नोट भी नहीं है, जाने को क्या बोलोगे तुम बोल, तुम कल कहाँ गए थे, हाँ अगर तुम, हाँ उसका क्वेश्चन है कि सर आपने पूछा तुम कल कहाँ गए थे, तो ये ज़्यादा लोग थे, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हें एक पर्सन को पूछूँ, मान लो यही वो पर्सन है, इसको पूछूँ तुम कल कहाँ गई थी, कहाँ गए थे, तो इसके लिए मैं फिर भी यू ही लगाऊँगा, पर अगर ये तीन लोग भी होते तुम लोग कल कहाँ गए थे, तब भी यू ही लगाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ उनकी बात करूँ तो फिर दे देखना पड़ता है, ही देखना पड़ता है, मैं बार बार उसमें नहीं जाऊँगा, तुम्हें पता है, वेयर डिड यू, जाने को क्या बोलोगे, गो गो गोवा गोन, अच्छा एक कार्टून भी आता था गोन, पता नहीं तुमने देखा कि नहीं, मुझे बड़ा अच्छा था, वो आदिवासी सा होता था, आदिवासी अली पुराने टाइम में वो बनाया था कार्टून, जब अली मैन होते थे ना तो एक हंगामा पर कार्टून आता था, कोई देख रहा है ना फैन तो मुझे बताना, हाँ जंगल, जंगल बुक नहीं, वो नहीं, वो नहीं, रहने दो तुम, वेयर डिड यू गो, कब, यहाँ एक और वर्ड लगेगा ध्यान देख लो ना, वेयर डिड यू गो टू लगाना पड़ेगा, ये इसकी बात रेफर कर रहा है यहाँ पर, तो टू भी लगाना है, कब गए थे, यस्टरडे, वेयर डिड यू गो टू यस्टरडे, भाई हल्की सी फुल्की मिस्टेक हो सकती है शायद, ये पीछे आए, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, नहीं ठीक है ये टू ही, नेक्स्ट क्वेश्चन, तू चले जा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कल, इसी को थोड़ा चेंज कर लेंगे, लिख लिया सबने, तुमने लिखा, सबने लिख लिया, तुम कल किसके साथ स्कूल गए थे, चलो अब मैंने ये भी बता दिया, जगह बता दी, किसके साथ स्कूल गए थे, देखो सब्जेक्ट कोई भी बदल सकता है, अभी हम तुम ही ले रहे हो, या फिर तुम की जगह, वो कल किसके साथ गया था, सब्जेक्ट थोड़ा बदल देते हैं, ऐसे बोरिंग हो जाते, तुम्हारी ही बातें करते हो तो फिर, अच्छा अब मुझे बताओ क्या बोला तुमने, हो यहाँ मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, पर्सन ढूंढ रहा हूँ, तो पर्सन के लिए हु डिड, हम जो वो है वो क्या है, लड़का या लड़की, लड़के के लिए सब्जेक्ट लगा दिया तुमने डब्ल्यू एच वर्ड हु डिड, सब्जेक्ट है तुम्हारा ही, जाना तो जाने को गो ही बोलोगे, टू इस पर पता है कहाँ गया था, तो लगा दो गो टू स्कूल, कब, यस चढ़े, वेरी गुड, दो हो गए, तीन या चार रह गए, फिर कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे, अगर लग सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले एक बार करण ने भी किया था ना, ऐसा दिखेगा वो वाला, अगर तुम्हें होम ऐसे बनाना है, तुम्हें एक तो डर भी है कि मैं टू कहीं गलत तो नहीं लगा दूँगी, नहीं 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 एक चीज़ आएगी और सुनो, वो वाली चीज़ पर भी आ रहे हैं होम पर, इसमें कमी है चीज़ की, पता किसी को, विद आएगा, कहाँ आएगा ये बताओ, स्कूल, स्कूल
with the yesterday, but सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा लगन मगन में हो गया था, थैंक यू बताने के लिए बेटा। ऐसे बताते रहा करो मुझे, अच्छा लगता है। हु डिड ही गो टू, मुझे पता लगता है कि पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा, अवेयर है। हु डिड ही गो टू स्कूल विद यस्टरडे, बट इसमें कन्फ्यूजन है यार, ये विद कहाँ लगाऊँ, यस्टरडे कहाँ लगाऊँ, पता नहीं लगता है। तो इससे बेटर वही जो तुमने बोला कि हम होम भी लगा लें सर, तो लगा लो। और उसका ये फ़ायदा होगा कि तुम स्टार्टिंग में विद लगा कर होम कर दो, विद होम बाकी सेम ही है। डिड ही गो टू स्कूल, विद तो लग गया पहले, लगाऊँगे फिर से नहीं, बन गया। दोनों ही इसके ही आंसर हैं, दोनों ही इसके ही हैं, सही ही है। ये ज़्यादा इजी है, बोलने में भी अच्छा लगता है। विद होम डिड यू गो, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, लगा पता। अगर तुम्हें आसान करना है तो विद को आगे लगा दो और हु का होम बना दो। पर्सन हो गया, जगह हो गई, अब रीज़न वाला। किसी को पूछना है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, किसी को पूछना है ऐसा, तुमने मुझे, तुम बड़ा हंस रहे हो टिकट टिकट। हाँ अब मैंने पूछा, तुम्हें ही पूछा, तुम हंस क्यों रही थी, जब मैंने उससे पूछा वो हंस क्यों रही थी, वो हंस क्यों रही थी, हाँ तुम वो हंस क्यों रही थी, रही थी। अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ बेटा या कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैंने ये पूछा क्या वो हंस रही थी, क्या वो नहीं हंस रही, ये कन्फर्मेशन है कि ऐसा पूछा सवाल मैंने, क्यों कुछ ढूंढ रहा हूँ, तो क्या ढूंढ रहा हूँ, रीज़न, रीज़न के लिए डब्ल्यू एच लगा, वाई डेट, सब्जेक्ट हमारा शी, तुम्हें पता लग गया थी है तो, नहीं तो लगाया नहीं, चलो नहीं लगा दिया। मैंने बोला यार आज वो हंस नहीं रही थी, क्या हुआ, वो हंस क्यों नहीं रही थी, क्या हुआ, उदास थी या पेपर अच्छा नहीं गया क्या, या बाबू ने आईफोन ही लेके दिया, या पापा ने जो मांगा था वो लेके नहीं दिया, या बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा बीमार हो गया। कई बार बेस्ट फ्रेंड के लिए भी लोग रोने लग जाते हैं पता है, कई बार बेस्ट फ्रेंड पर प्रॉब्लम आती है दूसरी रोने लग जाती है, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अच्छा इसमें मैंने नहीं लगाया तो मैं कहाँ नोट लगाऊँ, शी के बाद, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही, तुम अपनी बात कंप्लीट करो, क्या बोल रहे थे, तुम कुछ बोलने लगे थे मैंने इंटरप्ट कर दिया, बोलो। हाँ उसने बोला ठीक है, ये भी फॉर्मूले में ही लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, ठीक है। व्हाई डिड शी नोट, अरे ठीक है, व्हाई डिड शी नोट लाफ। एक चीज़ प्रॉब्लम है यार, रही नहीं आएगा, वो हंस क्यों नहीं, हंसी क्यों नहीं थी, मुझे पता थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो इसमें नहीं आएगा, मेरे से मिस्टेक हो गई, पिछली बार तो नहीं रही लगा दिया था मैंने कुछ वर्ड, देख लो ज़रा सवाल पिछला क्या था, हाँ ये नहीं आता, रही क्यों नहीं आएगा, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, सॉरी मैंने थोड़ी वहाँ गलती से रही ले दिया, हमने तो ये थोड़ी बोलना कि क्या कर रहे थे पास्ट में, क्यों कर रहे थे, हम तो पूछ रहे हैं किया था कि नहीं किया था, क्यों किया था, तो हमने बोला वो हंसी क्यों नहीं थी, मैं तो इतना सज के गया था मैं तो इतना सज के गया था, मुझे लगा इम्प्रेस होगी, पर वो हंसी क्यों नहीं थी, वाई डिड शी नोट लाफ, अगर हंसी थी वो हंसी क्यों, वाई डिड शी लाफ, नहीं हटा दिया, नोट हटा दिया, हाँ मेरा एग्जाम्पल ख़राब हो गया उसके चक्कर में, ऐसे थोड़ी भी पूछता है हंसी थी कि नहीं, हंस रही थी तो पूछते, चलो तुम्हें मेन समझ आ गया मैसेज, अब बताओ ये लिखा सबने, कोई डाउट है, समझ आ गया, समझ आ गया, हाँ या ना, नहीं आया यार, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ज़रा, तुम बनाओ कोई भी, तुम्हें पता लग गया हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन बनाओ, हाँ तुम बड़ा हंस रहे टिकट टिकर देखे मुझे, तुम बहुत देखते हो, इधर देखो बनाओ कुछ सवाल, कुछ भी मैं बता रहा हूँ कैसा सवाल चाहिए, मतलब ऐसे बोलते ना तुम भैया ऐसे वाला, ऐसे वाला गोलगप्पा बनाना ज़रा, मैं
सवाल में तुम्हारे क्या ढूंढना होना चाहिए, नहीं कहाँ कब तुमने कब किया था ऐसा कुछ सवाल, उसका ठीक है तुम्हारा अगर उसने पूछा तुम स्कूल कब आई थी, मुझे पूरा दिन दिखी नहीं कल, तो बोली नहीं तुम परसों स्कूल कब आई थी, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैं बोला नहीं, उसने बोला परसों मैंने तुम्हें देखा था, उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, आ रहा हूँ तुम्हारी बात पर भी इंटरप्ट करने के सॉरी, एक कम्प्लीट कर लेता हूँ बात, तो मैंने बोला उसने बोला मैंने तुम्हें देखा था, तो मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोला मैं तो आई थी परसों, तो मैंने पूछा तुम परसों स्कूल कब आई थी, मैंने तो नहीं देखा ऐसे पूछा कुछ लाकर, तो इसका क्या बनेगा, तुम बना वर्ष अच्छा बना रहे थे, वैन डिड शी, गलत, मैंने उसका थोड़ी पूछा वो कब आई थी स्कूल, मैंने तो तुम्हें पूछा, अभी भी गलत, मैंने तुम हाँ पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया वैन, क्यों आया, कब का मतलब है टाइम पता कर रहे हैं, हमें नहीं पता कब किया था, वैन डिड यू नहीं नहीं लगा तो रोड लेने दो, आने को क्या बोलोगे, कम टू स्कूल, गलत, स्कूल तक ठीक है पर परसों को तो नहीं बोलोगे ना तुम, यस्टरडे कुछ और बोलते हो, द डे बिफोर क्या बोलते बबुआ कोई बात नहीं पता लग गया ना, ये मेन बात है, गलती होती है, गलती सबसे बड़ी वो है जिस गलती से तुम सीखो ना, क्या बोला, वो गलती वो होती जिससे तुम सीखो ना, सिंपल शब्दों में गलती वो है जिससे तुम सीखो ना, जब सीख लिया तो गलती नहीं रही, मतलब ही बदल गया, जिसे ना सीखो वो गलती है, When did you come to school the day before yesterday? Complete. अच्छा जाना है ठीक है, यहाँ इतने ख़त्म करते हैं कि कुछ बच्चों को जाना है, मैंने एक सवाल नहीं बनाया, अभी मन में बना दे जल्दी से, तुमने कल क्या किया था, अगर बनाना होता ये नहीं पूछा क्या तुमने कल कुछ किया था, मैंने पूछा तुमने कल क्या किया था, मैं ढूंढ रहा हूँ कि कन्फर्म कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या किया था, क्या के लिए, वट वट डिड यू करने को क्या बोलते हो, डू, कन्फ्यूज मत हो ना, डिड लगा तो डू नहीं लगेगा, वट डिड यू डू कब यस्टरडे, अगर कुछ रह गया होगा तो अगली क्लास में बात कर लेंगे, तुम्हें जाना लेट हो जाओगे, तो थैंक यू एवरीवन इतनी देर बैठने के लिए, और थोड़े दिन छुट्टी रहेगी, परसों लगेगी क्लास बंद कर